वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिलेज इन 8051 का डिटेल स्टडी किया था, जिसमें हमने टाइम डिले बाय यूजिंग सिंपल फॉर लूप, मीन्स हाउ टू जनरेट द टाइम डिले बाय यूजिंग अ फॉर लूप, उसका हमने डिटेल स्टडी किया था एंड उस पर हमने एक प्रोग्राम लिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो सेकेंड मेथड है, दैट इज डिले प्रोड्यूस ड्यू टू द यूज़ ऑफ टाइमर्स इन 8051, मीन्स हाउ वी कैन प्रोड्यूस द डिले बाय यूजिंग द टाइमर्स ऑफ 8051, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे एंड देन विल टेक वन प्रोग्राम बेस ऑन दिस डिले टाइमर। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो सेकंड मेथड टू प्रोड्यूस द डिले बाय यूजिंग द 8051 टाइमर्स। सो एम्बेडेड सी प्रोग्राम्स कैन बी एक्सेस 8051 टाइमर्स रजिस्टर विच इज TH, TL एंड टी मोड डायरेक्टली बाय यूजिंग द reg51.h हेडर फाइल। ठीक है, तो एम्बेडेड सी प्रोग्राम में हम 8051 के जो टाइमर रजिस्टर है, दैट इज टाइमर हाई, टाइमर लो एंड टाइमर मोड, इनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं हेडर फाइल से। ठीक है, सो एज डिस्कस द डिले डिपेंड्स अपॉन, तो ये जो डिलेज है, ठीक है, तो ये डिपेंड है नंबर ऑफ क्लॉक साइकल्स पर मशीन साइकिल। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ क्लॉक्स रिक्वायर्ड फॉर द मशीन साइकिल, ठीक है, सो दैट। सेकंड, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, जो क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, ठीक है, विच इज़ ऑन बोर्ड ऑफ 8051, तो उस पर डिपेंड है डिले। एंड थर्ड जो है वो कंपाइलर। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्लॉक साइकल्स पर मशीन साइकिल, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी एंड कंपाइलर, सो दीज आर द थ्री मेन एस्पेक्ट्स टू प्रोड्यूस द डिले इन 8051। सो कंसिडर एन एनालॉग क्लॉक, सो देर आर 12 डिवीजन ऑन द क्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनालॉग क्लॉक कंसिडर करेंगे, जिसमें टोटल 12 डिवीजन्स है। ठीक है, सो द क्लॉक कैन काउंट द 12 आवर्स, तो इस तरह से क्लॉक जो यहाँ पे एनालॉग क्लॉक जो 12 आवर्स को काउंट कर सकती है, सो देयरफॉर ईच डिवीजन विल रिप्रेजेंट अ 1 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे जो 12 डिवीजन है, मीन्स 1 डिवीजन विल काउंट अ 1 आवर टाइम ड्यूरेशन। तो इस तरह से टोटल जो है वो 12 डिवीजन है, सो वी कैन टेक द 12 आवर्स काउंट, सो दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 12। सो 8051 माइक्रोकंट्रोलर हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 11.0596 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, तो 11.0596 मेगाहर्ट्ज़ जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर 8051 माइक्रोकंट्रोलर एंड दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो हैन वी कैन से दैट ईच पल्स नीड्स टू बी अ 12 डिवाइडेड बाय दिस क्लॉक फ्रीक्वेंसी, सो दैट विल बी अ 1.0.85 माइक्रोसेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल डिविजन्स है वो 12 है क्लॉक के। ठीक है, एंड जो फ्रीक्वेंसी है 8051 माइक्रोकंट्रोलर का, ठीक है, सो दैट इज 11.0596, तो हमने उस नंबर ऑफ डिविजन्स को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड निकला है वो 1.085 माइक्रोसेकंड। सो नाउ इफ द डिले ऑफ 1 मिलीसेकंड इज रिक्वायर्ड, सो 1000 डिवाइडेड बाय 1.085 माइक्रोसेकंड, सो दैट विल बी अ 921.658। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिलीसेकंड का अगर डिले हमें इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, सो दैट 1 मिलीसेकंड मीन्स 1 × 10⁻³, देयरफॉर इट इज़ 1000 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पल्स रिक्वायर्ड द टाइम ऑफ 1.085 जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। ठीक है, सो दैट इज़ अ 921.658। सो देयरफॉर द टोटल काउंट इज 65536। हेंस फॉर 1 मिलीसेकंड वी नीड टू काउंट 65536 - 921.658। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिलीसेकंड का जो डिले इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें जो टोटल काउंट है, उसमें से यहाँ पे जो हमने 1 मिलीसेकंड के लिए डिले के लिए जो काउंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, उसे हम माइनस करेंगे टोटल काउंट से, सो दैट विल बी अ 64614.34 पल्सेज। सो दीज आर द नंबर ऑफ पल्सेज रिक्वायर्ड, सो दिस नंबर व्हेन कन्वर्टेड टू द हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो इस नंबर को हम हेक्साडेसिमल नंबर में अगर कन्वर्ट करते हैं, सो दैट इज़ FC65H। सो इफ वी यूज द टाइमर रजिस्टर टू काउंट दिस नंबर, दिस विल बी अ टेक द टाइम ऑफ 1 मिलीसेकंड। ठीक है,
तो यहाँ पे हम टाइमर रजिस्टर का यूज़ करके जो नंबर्स को यहाँ पे काउंट करेंगे एंड द टाइम डिले विल बी अ 1 मिली सेकेंड, देन विल टेक द वन प्रोग्राम टू जनरेट द टाइम डिले ऑफ 1 मिली सेकेंड. सो फर्स्ट विल इंक्लूड द हेडर फाइल दैट विल बी हैश इंक्लूड reg51.h. देन वी कैन कॉल द दिस void t0 delay function. Then we start with the main program, that is void main. Then in curly bracket we use the infinite loop, so that is a true loop while 1. So in curly bracket we are assigning the value to the port p1. ठीक है, तो port p1 को हम यहाँ पे जो highest value assign कर रहे हैं that is ff. Then उसके बाद जो delay function है उसको हम यहाँ पे count कर रहे हैं t0. टाइमर हमने यूज़ किया है, सो t0 डिले फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है. अगेन p1 पोर्ट को हमने लोवेस्ट वैल्यू असाइन किया है, डेट इज़ 0 0. अगेन हमने यहाँ पे डिले को कॉल किया है. ठीक है, तो मीन्स हायर वैल्यू पोर्ट p1 को अप्लाई किया, देन डिले, देन अगेन लोएस्ट वैल्यू एंड देन अगेन डिले, देन करली ब्रैकेट कंप्लीट. तो इस लॉजिक को हमने व्हाइल वन लूप में यहाँ पे, जो कि एक इन्फाइनाइट लूप है, मीन्स इट इज़ ऑलवेज ट्रू. ठीक है, तो ये जो लॉजिक है ये कंटिन्यूसली यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा इन द दिस व्हाइल लूप वन. देन जो डिले के लिए हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया था, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक लूप लिखा है. ठीक है, सो दैट इज टी मोड इज इक्वल टू 0 1. ठीक है, टाइमर मोड को हमने यहाँ पे 0 1 वैल्यू असाइन किया है. टाइमर लो मोड के लिए TL0 एंड TH0 जो बीट्स है उसे हमने FC एंड 65 वैल्यू असाइन किए. TR0 इज 1, सो वाइल TF0 इज इक्वल टू 0, दैट इज टाइमर फ्लैग इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0, देन दिस TR0 विल बी 0 एंड TF0 जो फ्लैग है, ठीक है, टाइमर रिसेट एंड टाइमर फ्लैग दिस बोथ आर 0 0. ठीक है, सो दैट इज द वॉइड T0 डिले लूप. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डिले इंट्रोड्यूस होगा बाय यूजिंग द यूज ऑफ दिस टाइमर रजिस्टर विच इज़ टी मोड TL0 एंड TH0. तो ये जो टाइमर से 8051 के, इसका यूज़ करके हमने यहाँ पे डिले इंट्रोड्यूस किया है. ठीक है, तो लास्ट सेक्शन में हमने जो डिले इंट्रोड्यूस किया था उसके लिए सिंपली फॉर लूप का यूज़ किया था. एंड इस प्रोग्राम में हमने यहाँ पे जो टाइमर रजिस्टर से 8051 के, उनका यूज़ करके डिले को इंट्रोड्यूस किया है. So this is the program for the use of this timer delay. Next topic of syllabus is the input output port programming. ठीक है, तो input output जो ports है 8051 के, ठीक है, microcontroller के, तो उसका programming हम किस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं उसको हमें यहाँ पे detail में study करना है. So 8051 microcontroller have 4 parallel input output ports, that is IO port, which can be programmed as the input or output ports. तो जैसे हमने microcontroller के हार्डवेयर में स्टडी किया है कि 8051 has a 4 parallel 8-bit input output ports, जो कि P0, P1, P2 and P3. ठीक है, तो ये चार यहाँ पे ports है input output को access करने के लिए. So these ports आर बीट एज वेल एज बाइट एड्रेसेबल. तो ये जो पोर्ट्स है ये बीट मीन सिंगल बीट 1 एंड 0 से भी एक्सेस हो सकता है एंड 8 बीट से भी एक्सेस हो सकते हैं विच इज़ बाइट. सो दैट इज डेटा कैन बी सेंड ऑन दिस 8-bit पोर्ट्स एज 1 डेटा वर्ड एट अ टाइम और 1 बीट एट अ टाइम. ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है डेटा जो है हम वो सेंड कर सकते हैं इस 8-bit पोर्ट पे एज अ सिंपली अ डेटा वर्ड मीन्स 1 byte और इट कैन बी अ 1 बीट एट अ टाइम. सो इफ यू वॉन्ट टू ऑल 8 बीट्स ऑफ पोर्ट 0 टू बी अ हाई वैल्यू वी कैन यूज़ द कोड. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है. अगर पोर्ट 0 पे हमें जो सारे 8 बीट्स है दैट इज़ P0 to P7, इनको अगर हमें हाई वैल्यू पास करना है तो उसके लिए हमें क्या फंक्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोड में. सो P0 इज इक्वल टू, P0 मीन्स द पोर्ट 0 इनिशियलाइजेशन, दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय FF, जो कि हेक्साडेसिमल वैल्यू है. ठीक है, एंड इन हेक्साडेसिमल FF मीन्स अ 255, दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू.
दैट कैन बी ए पास टू द पोर्ट ज़ीरो। तो इस तरह से पोर्ट ज़ीरो को हम इनिशलाइज कर सकते हैं हायर वैल्यू के लिए। और जो सेकंड जो मेथड है, वी कैन यूज़ द एलईडी P0। ठीक है, हमने अगर एलईडी कनेक्ट किया है P0 पे, सो वी आर असाइनिंग द वैल्यू टू दिस एलईडी, एलईडी इज इक्वल टू 0। सो दैट इज़ अ डिक्लेरेशन हियर एंड दैट इज़ इन मेन फंक्शन। So if we need to specific bit of port 0 to have a high value, we can use the code। अगर हमें एक particular जो bit है, ठीक है, port 0 पे अगर उसे high value pass करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे code लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें use करना पड़ेगा data type S bit, that is a single bit, जो हमने last section में study किया है। ठीक है, so here S bit, my bit, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको नाम दिया है माई बिट, आप कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो एड बिट माई बिट इज इक्वल टू P01, सो दैट इज़ द डिक्लेरेशन एंड माई बिट वैल्यू विल बी अ वन इन द मेन फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम जो डिफाइन किया था, डिक्लेयर किया था माई बिट, उसको हमने यहाँ पे वन वैल्यू पास की है। ठीक है, एंड जो कनेक्ट है P01 पोर्ट पे। ठीक है, P0 के 1 पोर्ट पे यहाँ पे कनेक्ट है माई बिट, जिसको हमने हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे पास की है। तो इस तरह से हम यहाँ पे अलग अलग जो वैल्यूज़ है अलग अलग पोर्ट्स पे, उसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं इन द 8051 प्रोग्रामिंग। सो द पैरेलल पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट फंक्शन एज अ आउटपुट पोर्ट। ठीक है, तो ये जो पैरेलल पोर्ट्स है P0, P1, P2, P3, ठीक है, तो इसके लिए जो डिफॉल्ट फंक्शन है वो एज अ आउटपुट पोर्ट है। ठीक है, अगर हमें इनको एज अ इनपुट पोर्ट यूज़ करना है, ठीक है, सो फॉर दैट इफ दे आर नीडेड एज अ इनपुट पोर्ट, ऑल हाई आर सेंड टू द पोर्ट। फॉर एग्जांपल, फॉलोइंग कोड सेट द P1 एज अ इनपुट पोर्ट। ठीक है, सो P1 इज इक्वल टू 0FF। ठीक है, तो अगर हमें इसको पोर्ट्स को अगर एज अ इनपुट पोर्ट यहाँ पे यूज़ करना है, तो हमें उसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होगी P1 इज इक्वल टू 255 FF मीन्स। ठीक है, तो इस तरह से हम पोर्ट्स को एज ए इनपुट पोर्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डिफॉल्ट फंक्शन यहाँ पे अगर लेंगे, तो डिफॉल्ट फंक्शन जो है वो पैरेलल पोर्ट्स का एज अ आउटपुट पोर्ट है। ठीक है, देन विल टेक वन प्रोग्राम सो दैट दिस इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग ऑफ 8051 इज क्लियर टू यू। So here write a 8051 embedded C program to get the byte of data from P1 port and wait for a few milliseconds and then send the data to the port P2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें embedded C program write up करना है byte के लिए। byte means simply a 8 bit, means जो data रहेगा वो 8 bit रहेगा। ठीक है, तो data जो P1 ports पे, ठीक है, and एक एक डेटा यहाँ पे P1 पोर्ट से P2 पोर्ट में सेंड आउट करना है, एंड उसके बीच हमें डिले ऐड करना है फ्यू मिली सेकेंड का। मीन्स फर्स्ट बिट जो रहेगा D0, अगर P1 से हम सेंड आउट करते हैं P2 में, ठीक है, तो उसके बाद हमें डिले ऐड करना पड़ेगा। देन विल सेंड अ D1 बिट फ्रॉम P1 टू P2, अगेन ऐड द डिले। लाइक दैट वी कैन सेंड दिस 8 बिट डेटा विच इज़ अ बाइट फ्रॉम पोर्ट P1 टू द पोर्ट P2। सो हियर वन पोर्ट विल बी एज अ आउटपुट एंड सेकेंड पोर्ट विल बी एज अ इनपुट। तो यहाँ पे P1 जो है वो आउटपुट पोर्ट है, क्योंकि डेटा यहाँ से पुटअप हो रहा है एंड P1 में डेटा यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, सो P2 विल बी एज अ इनपुट पोर्ट। सो हार्डवेयर कनेक्शन इन सिम्युलेटर इज शोन इन फिगर। सो DIP इन्वर्टेड स्विच एंड 8 स्विचेस आर यूज टू प्रोवाइड द इनपुट एंड बार LED स्ट्रिप ऑफ 10 LED दैट इज यूज एज अ आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूअल इन लाइन पैकेज जो DIP स्विचेस यूज़ किए गए, ठीक है, एंड आउटपुट चेक करने के लिए यहाँ पे LEDs कनेक्ट किए गए पोर्ट्स पे। देन विल सी द एक्चुअल कोड फॉर दिस प्रोग्राम। सो फर्स्ट विल इंक्लूड द हेडर फाइल। सो फॉर दैट हैश इंक्लूड इन ब्रैकेट RAG51.h, देन विल इंक्लूड द हेडर फाइल फॉर सी प्रोग्रामिंग दैट इज हैश इंक्लूड studio.h, देन यूज द void delay, देन वी स्टार्ट विद द मेन प्रोग्राम void main,
इन करली ब्रैकेट वी आर असाइनिंग द वैल्यू टू द पोर्ट P1। ठीक है, तो P1 में हमें जो 8 बिट डेटा है उसको असाइन करना है, तो P1 को हमने यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू पे एज अ असाइन किया है एज अ इनपुट पोर्ट। सो P1 इज इक्वल टू 0FF एंड P2 विल बी असाइन टू द लोएस्ट वैल्यू P2 पोर्ट। ठीक है, सो दैट विल बी अ 0 0। उसके बाद हमने इन्फाइनाइट लूप का यूज़ किया है जो कि वाइल वन है विच इज़ ऑलवेज ट्रू लूप। तो उसमें हम जो लॉजिक लिखेंगे दैट इज़ P2 इज इक्वल टू P1। ठीक है, तो P1 का जो डेटा है यहाँ पे P2 में यहाँ पे कॉपी हो जाएगा या रूट हो जाएगा। P1 को हमने यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू असाइन की दैट इज़ 255 एंड P2 को हमने यहाँ पे पोर्ट को लोएस्ट वैल्यू असाइन की दैट इज़ 0 0। तो जिस तरह से प्रोग्राम में हमें दिया था कि जो पोर्ट P1 का डेटा है पोर्ट P2 में रूट करना है एंड देन उसके बाद हमें डिले वहाँ पे ऐड करना है फ्यू मिलीसेकंड का, इसलिए हमने P2 इज इक्वल टू P1 दैट लॉजिक इज रिटन इन द दिस इनफाइनाइट लूप दैट इज वाइल लूप एंड देन विल कॉल द डिले फंक्शन एंड दैट ब्रैकेट इज कम्प्लीटेड। मीन्स जैसे ही P1 का डेटा P2 में रूट होगा देन आफ्टर दैट देर इज सम डिले इज एडेड एंड देन नेक्स्ट डेटा विल बी रूट फ्रॉम P1 टू P2। सो फॉर दैट वी कैन राइट द डिले फंक्शन एज, सो इसके लिए हमने अनसाइन कैरेक्टर i को यहाँ पे डिफाइन या डिक्लेयर किया है। सो उसको हमने पुट किया है फॉर लूप के लिए, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 200, i प्लस प्लस। सो दिस इज द लॉजिक दैट विल एड द दिस डिले। ठीक है, एंड इसी फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है वाइल वन लूप में। सो दैट इज द प्रोग्राम। सो दिस विल स्टोर द डेटा फ्रॉम P1 पोर्ट टू द P2 पोर्ट देन यूजिंग SFR दैट इज स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एड्रेस टू एक्सेस द IO पोर्ट्स। ठीक है, तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के जो एड्रेस है उसको यूज करके हम इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। सो IO पोर्ट्स ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर आर प्लेस इन SFR ऑफ इट्स RAM। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8051 माइक्रोकंट्रोलर के जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है उसको हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स में यहाँ पे RAM में पुटअप कर सकते हैं। दे यूज़ द मेमोरी एड्रेस गिवन बिलो। ठीक है, तो इसके लिए जो मेमोरी एड्रेस है वो यहाँ पे दिए गए P0 जो पोर्ट है उसके लिए 80H to 87H। ठीक है, दैट इज़ द मेमोरी लोकेशन फॉर द RAM। P1 पोर्ट 90 to 97H, P2 पोर्ट A0 to A7 and for P3 port B0 to B7. So these are the locations of memory location in the RAM. So if the embedded C program directly access these registers, so reg51.h header file cannot be used necessary in the program because we doesn't need to use the register P0 to P3. ठीक है, तो यहाँ पर जो reg51.h है इस फाइल को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं हमें प्रोग्राम में, क्योंकि यहाँ पे हमें जो रजिस्टर का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, वी कैन यूज़ द डायरेक्टली द मेमोरी लोकेशन ऑफ दिस स्पेशल फंक्शंस रजिस्टर देन वील टेक वन प्रोग्राम सो दैट दिस पोर्ट विल बी और दिस SFR एड्रेस टू एक्सेस IO पोर्ट्स आर क्लियर टू यू। सो हियर प्रोग्राम हेडिंग इज राइट एन एम्बेडेड सी 8051 प्रोग्राम टू टॉगल ऑल द बिट्स ऑफ पोर्ट P1 एंड P2 and the bit P0 that is continuously with the small delay. So use the this special function register keyword SFR. ठीक है, तो यहाँ पे हमें embedded C के लिए प्रोग्राम राइट करना है जिसमें P1 एंड P2 के जो बिट्स है उसे टॉगल करना है। ठीक है, कंटिन्यूसली एंड स्मॉल डिले उसमें इंट्रोड्यूस करना है, तो इसके लिए हमें SFR कीवर्ड का यूज़ करना है। ठीक है, so we start with the program. So first we declare this SFR P1 port and SFR P2. ठीक है, and assign the value for that. ठीक है, तो यहाँ पे हमने P1 के लिए जो मेमोरी लोकेशन देखा है RAM का, ठीक है, तो वो हम इसको असाइन करेंगे। सो SFR P1 के लिए हमने 90 असाइन किया है जो कि हेक्साडेसिमल नंबर है। देन P2 दैट इज़ A0। ठीक है, देन सिंगल बिट माई बाइट कंसिडर किया हमने। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी नेम असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो एस बिट डेटा टाइप का यूज़ करके मैंने माई बाइट इज इक्वल टू 085। ठीक है,
जीरो मल्टीप्लाई बाई 85, तो यहाँ पे 85 जो है वैल्यू पास किया मैंने माई बाइट को, देन डिले ऐड करने के लिए जो फंक्शन यहाँ पे राइट अप किया है उसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है प्रोग्राम में, दैट इज़ वॉइड एम एस डिले, दैट इज़ अनसाइन इंटीजर, ठीक है। तो इसके लिए जो लॉजिक है हम लास्ट में लिखेंगे लूप में, देन वी स्टार्ट विद द मेन प्रोग्राम दैट इज़ वॉइड मेन, इन कर्ली ब्रैकेट वी कैन राइट द दिस व्हाइल वन लूप विच इज़ ऑलवेज ट्रू, दैट इज़ इनफाइनाइट लूप, ठीक है। तो जो भी लॉजिक हम इस लूप में लिखेंगे व्हाइल लूप में वो कंटिन्यूसली यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमें P1 एंड P2 पोर्ट के जो बीट्स है उसको कंटिन्यूसली टॉगल करना है, इसलिए हमने व्हाइल लूप का यूज़ किया है विच इज़ ऑलवेज ट्रू लूप। सो P1 के लिए यहाँ पे हमने जो पोर्ट P1 को उसको लोएस्ट वैल्यू असाइन किया दैट इज़ 00, एंड P2 पोर्ट को भी हमने इनिशियली जो है वो 00 वैल्यूज असाइन किए हैं, ठीक है। मीन्स दिस विल रीसेट आउट द पोर्ट्स, अगर इस पोर्ट्स पे दोनों P1 एंड P2 पे अगर प्रीवियस डेटा होगा ओके तो उसकी वजह से यहाँ पे एरर आ सकता है प्रोग्राम में, दैट्स व्हाई हमने स्टार्टिंग में P1 एंड P2 पोर्ट्स को यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। मीन्स सिंपली 00 पुट अप कर दिया दोनों के लिए वैल्यूज, देन माई बाइट जो है उसको भी हमने एज अ 0 यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दिया है, ठीक है। देन उसके बाद MS डिले 200 मिली सेकेंड, ठीक है। तो हमने डिले फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है 200 मिली सेकेंड का, ठीक है। देन उसके बाद P1 इज इक्वल टू 0FF, जो हाईएस्ट वैल्यू हमने यहाँ पे पास किया है P1 एंड P2, अगेन P2 इज 0FF, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 0 एंड 1 जो वैल्यूज़ है, ठीक है, वो यहाँ पे पास किए P1 एंड P2 पोर्ट के लिए, क्योंकि हमें प्रोग्राम में दिया है कि P1 एंड P2 पोर्ट्स के जो बीट्स है उनको कंटिन्यूसली टॉगल करना है, मीन 0 एंड 1 लाइक अ ब्लिंकिंग LED, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले P1 एंड P2 पोर्ट्स को 0 वैल्यू असाइन कर दिया है, ठीक है, एंड उसके बाद डिले फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है, एंड उसके बाद P1, P2 एंड माय बाइट पोर्ट को हमने 1 वैल्यू असाइन किया है जो कि हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से जो P1, P2 पोर्ट्स के जो आउटपुट है दैट विल बी अ कंटिन्यूसली टॉगल फॉर बिटवीन 1 एंड 0, दैट इज़ हाई एंड लो, एंड उसके बीच हमने डिले ऐड किया है, मीन्स जैसे ही LED ऑन होगा, ठीक है, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद 0 वैल्यू यहाँ पे पास होगा, ठीक है, देन उसके बाद 0 के बाद वापस डिले ऐड होगा एंड देन 1 लाइक दैट। तो ये कंटिन्यूस लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट होते रहेगा, एंड डिले फंक्शन के लिए हमने यहाँ पे लास्ट में लॉजिक लिखा है दैट इज़ वॉइड MS डिले अनसाइन इंटीजर, आई टाइम को कंसिडर किया हमने, सो अनसाइन इंटीजर आई एंड जे, ठीक है, दो वेरिएबल्स को यहाँ पे एज अ अनसाइन इंटीजर हमने डिक्लेयर किए, दोनों के लिए फॉर लूप यूज़ किया है, फर्स्ट जो है वो आई के लिए, सेकंड जे वेरिएबल के लिए, फॉर इन ब्रैकेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन आई टाइम, आई प्लस प्लस, सेकंड फॉर लूप फॉर जे, जे इज इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन आई, देन जे प्लस प्लस, देन दिस ब्रैकेट इज कम्प्लीटेड, सो दिस इज द void delay, okay, so that can produce the delay of 200 millisecond between these values 0 and 1 which is passed to the port P1 and P2. So this is the program, by using the special function register we can add the values to the ports P1 and P2 which is input and output ports of 8051 microcontroller. So this will end the study of this input output port programming of 8051. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो लॉजिक ऑपरेटर से 8051 के तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे, सो थैंक यू।